नमस्कार, मैं हुशवानी। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज 28 सितंबर। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार कैबिनेट की बैठक में 16 एजेंडों पर लगी मुहर। गृह विभाग ने इन 6 आईपीएस अधिकारियों का किया तबादला। बिहार में जल्द ही 2000 से अधिक पदों पर दारोगा और सार्जेंट की होगी बहाली। केंद्र सरकार ने 10 YouTube चैनलों के 45 वीडियो को किए ब्लॉक। आज होगा भारत बनाम साउथ अफ्रीका पहला T20 मुकाबला। अब चलिए बढ़ते हैं बिहार की अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। भेल ने 150 रिक्तियों के लिए जारी किया रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड भेल ने विभिन्न डिसिप्लिन में इंजीनियर ट्रेनी और एग्जीक्यूटिव ट्रेनी के कुल मिलाकर 150 रिक्तियों पर भर्ती के लिए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी किया है। इसके लिए अगर शैक्षणिक योग्यता की बात की जाए तो आवेदक को संबंधित डिसिप्लिन में BE या BTEC या CA या ICWA या CMA या PG डिग्री और डिप्लोमा पास होना जरूरी है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार इस वैकेंसी नोटिस से जुड़ी हुई समस्त जरूरी जानकारी और आवेदन करने के लिए इस वीडियो के इसी पेज पर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए वेब लिंक पर जरूर क्लिक करें। आवेदन करने की अंतिम तारीख 4 अक्टूबर 2022 है। विस्तृत जानकारी के लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट www.bhel.com पर जाकर चेक कर सकते हैं। बिहार कैबिनेट की बैठक में 16 एजेंडों पर लगी मुहर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बीते दिन कैबिनेट की अहम बैठक बुलाई गई। इस बैठक में कुल 16 बड़े एजेंडों पर मुहर लगी। इस बैठक में सबसे अहम फैसला युवाओं के रोजगार को लेकर किया गया। कैबिनेट की बैठक में नौकरियों को लेकर कई अहम फैसले लिए गए। इसके तहत राज्य में रोजगार के लिए 20 लाख विभिन्न पदों पर बहाली निकाली जाएगी। इसी के साथ बिहार न्यायिक सेवा के पदाधिकारियों को 1/1/2016 से वेतन पुनरीक्षण देने के संबंध में भी स्वीकृति बकाया 3 किस्तों में दिया जाएगा। वैशाली में बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय सह स्मृति स्तूप की स्थापना एवं कुल 27 पदों का सृजन। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में 7,595 पदों का सृजन, जिसमें अमीन के 6,300 पद सहित कुल 16 एजेंडों पर मुहर लगाई गई है। गृह विभाग ने इन 6 आईपीएस अधिकारियों का किया तबादला। बिहार के 6 आईपीएस अधिकारियों का तबादला किया गया है। इसकी अधिसूचना गृह विभाग ने बीते दिन जारी कर दी है। जिन आईपीएस अधिकारियों का तबादला किया गया है उनमें 1995 बैच की आईपीएस अधिकारी व अपर पुलिस महानिदेशक प्रशिक्षण पटना R. मलार विक्षी का तबादला अपर पुलिस महानिदेशक अपराध अनुसंधान विभाग पटना में की गई है। और इसी के साथ सनील किशोर यादव को अपर पुलिस महानिदेशक से अपर पुलिस निदेशक प्रशिक्षण के साथ नागरिक सुरक्षा का अतिरिक्त भार दिया गया है। दलजीत सिंह, प्रमोद कुमार मंडल, राकेश कुमार और अशोक कुमार प्रसाद का तबादला किया गया है। बिहार में जल्द ही 2000 से अधिक पदों पर दारोगा और सार्जेंट की होगी बहाली। बिहार पुलिस में अब दारोगा और सार्जेंट की कमी दूर होने वाली है, क्योंकि राज्य में जल्द ही 2213 पदों पर चयनित नए दारोगा और सार्जेंट को नियुक्ति पत्र मिलने वाला है। हालांकि अभी इसकी तारीख की घोषणा नहीं की गई है। नियुक्ति पत्र वितरण के लिए राज्य के 12 पुलिस रेंज में बतौर नियुक्ति प्राधिकार DIG को नामित किया गया है। नियुक्ति पत्र देने से पहले की तमाम कार्रवाई इनकी देखरेख में संपन्न होगी। इसके बाद नियुक्ति पत्र दिए जाने को लेकर तारीख तय की जाएगी। पुलिस मुख्यालय ने नव चयनित 2213 दारोगा और सार्जेंट की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कर दी है। कैमूर और VTR के जंगलों की सुरक्षा होगी बेहतर। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग ने 2022-23 में करीब 25 करोड़ रुपए की लागत से 3 योजनाओं पर काम शुरू किया है, जिसके तहत कैमूर और VTR वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के जंगलों की सुरक्षा व्यवस्था और भी तंदुरुस्त की जाएगी। जंगलों के जानवर और पेड़ों की देखरेख के लिए और भी पुख्ता इंतजाम किया जाएगा। इन योजनाओं का मकसद जानवरों की संख्या बढ़ाना और वनों का बेहतर प्रबंधन करना है। इन योजनाओं के सफल क्रियान्वयन के बाद इसका सीधा फायदा पर्यटकों को होगा। फिलहाल बिहार का एकमात्र टाइगर रिजर्व VTR है। वहीं कैमूर वन अभ्यारण्य को टाइगर रिजर्व बनाने संबंधी प्रस्ताव केंद्र को भेजा गया है और इसकी प्रक्रिया चल रही है।
बिहार में लौटता मॉनसून फिर हुआ सक्रिय। बिहार से लौटने की राह में मॉनसून एक बार फिर जमकर बरस रहा है। 27 सितंबर से बिहार में हथिया नक्षत्र शुरू हो गया है और इसी के साथ बारिश के सिलसिले ने तेजी पकड़ ली है। लिहाजा मौसम विभाग के मुताबिक भी राज्य में अगले 24 घंटे में झमाझम बारिश की संभावना है। कुछ जगहों पर तो भारी से अति भारी बारिश की भी संभावना जताई गई है। मौसम विभाग पटना ने चेतावनी जारी करते हुए बिहार के ज्यादातर हिस्सों में बिजली और बादलों की गरज के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने किसानों को साफ तौर पर हिदायत दी है कि वो बरसात के समय घर से बाहर ना निकलें, खास तौर पर खेतों में तो बिल्कुल ना जाएं। अभी देश के उत्तर पश्चिम और उत्तर मध्य क्षेत्र में मॉनसून फिर से एक्टिव हुआ है। अंदाजा लगाया जा रहा है कि जल्द ही ये बिहार की तरफ बढ़ जाएगा। बिहार वासियों पर अब चढ़ेगा एफएम का बुखार। बिहार के सहरसा सहित कटिहार, दरभंगा और गोपालगंज के लोग भी एफएम का मजा ले सकेंगे। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने बिहार के सहरसा सहित कटिहार, दरभंगा और गोपालगंज जिलों में एफएम रेडियो स्टेशन खोलने पर मुहर लगा दी है। वहीं सबसे अधिक क्षमता वाला स्टेशन सहरसा में स्थापित होगा, जहां 10 किलोवाट की क्षमता होगी। वर्तमान में सहरसा के दीवारी में 100 वाट का एफएम रेडियो स्टेशन काम कर रहा था, जिससे सहरसा के 1 किलोमीटर के दायरे के लोग लुत्फ उठा रहे थे। लेकिन अब जो 10 किलोवाट का एफएम लगने जा रहा है, उससे खगड़िया, सुपौल, मधेपुरा, दरभंगा सीमावर्ती के लोग भी रेडियो का मजा ले पाएंगे। चंद्रधारी सिंह संग्रहालय इस वजह से है बेहद खास। बिहार में कई दर्शनीय, ऐतिहासिक और तीर्थस्थल मौजूद हैं, जो कि आपके बिहार पर्यटन को यादगार बना सकते हैं। उन्हीं में से एक है चंद्रधारी संग्रहालय। चंद्रधारी संग्रहालय की स्थापना 7 दिसंबर 1957 को दरभंगा में की गई थी। उस समय इस संग्रहालय का नाम मिथिला संग्रहालय रखा गया था। बाद में इसे मधुबनी के रांची ड्योढ़ी के दानी जमींदार बाबू चंद्रधारी सिंह के नाम पर इसका नामकरण हुआ। इस संग्रहालय में आपको 20वीं सदी व अन्य समय की दुर्लभ प्रतिमाएं, कैथी लिपि की पांडुलिपियों के अलावा मिथिला की सभ्यता और संस्कृति को जानने समझने की तमाम दुर्लभ चीजें सुरक्षित मिल जाएंगी। मिथिला को जानने समझने में दिलचस्पी रखने वाले लाखों पर्यटक यहां आते हैं, उनमें विदेशी पर्यटक भी शामिल हैं। खासतौर पर वैसे विदेशी पर्यटक यहां आते हैं जिन्हें मिथिला की संस्कृति पर शोध करना होता है। पशु चिकित्सा और मत्स्य विकास पदाधिकारियों को दिया गया नियुक्ति पत्र। बीते दिन बिहार के 283 पशु चिकित्सा पदाधिकारियों और 194 मत्स्य पदाधिकारियों को नियुक्ति पत्र दिया गया। ज्ञापन भवन में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने पदाधिकारियों को नियुक्ति पत्र सौंपा। इस दौरान बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा कि आज खुशी का दिन है, हाथों में नियुक्ति पत्र आ गया है, आप सभी लोगों को बधाई। नए अधिकारियों के ज्वाइन होने से काम में गति आएगी। सरकार बड़े पैमाने पर हर एक विभाग में बहाली करने जा रही है, सरकार अपना वादा पूरा करेगी। वहीं बिहार के मुख्य सचिव आमिर सुबहानी ने नियुक्त किए गए नए पदाधिकारियों को नसीहत देते हुए कहा कि अपने अपने प्रखंड में निवास करें, इससे लोगों को फायदा होगा, आप बेहतर सेवा दे सकेंगे। रसोई गैस लेने के नए नियम होंगे लागू। रसोई गैस सिलेंडर की खपत को लेकर कैपिंग व्यवस्था लागू होने वाली है। इसके तहत साल में 15 रसोई गैस सिलेंडर ही मिलेंगे। अगर किसी उपभोक्ता को इससे अधिक सिलेंडर चाहिए तो उन्हें इसका ठोस कारण बताना होगा और साथ ही किस वजह से उनके घर में अधिक रसोई गैस की खपत हो रही है, इससे संबंधित कागजात भी देना होगा। इसके बाद ही 15 से अधिक रसोई गैस सिलेंडर मिल सकेंगे। ये बातें खासतौर पर गैर उज्ज्वला श्रेणी वाले उपभोक्ताओं को ध्यान रखना होगा। यह नियम सभी तेल कंपनियों के गैर उज्ज्वला उपभोक्ताओं के लिए जारी किया गया है। निकाय चुनाव में नहीं होगा नोटा का ऑप्शन, आपको करना ही होगा वोट। बिहार में निकाय चुनाव की प्रक्रिया जोर शोर से चल रही है। इसी कड़ी में पहले और दूसरे चरण का नामांकन प्रक्रिया भी संपन्न हो चुका है। प्रत्याशियों में चुनाव प्रचार को लेकर होड़ मची है। इस बार के निकाय चुनाव की खास बात यह है कि इस बार आम जनता मुख्य पार्षद और उप मुख्य पार्षद का चयन खुद अपने मतों के अधिकार के माध्यम से करेगी। इस बीच जो खबर निकल कर सामने आ रही है वो यह है कि निकाय चुनाव में वोटिंग के लिए आपको किसी न किसी चेहरे को चुनना ही होगा। यहाँ आपको नोटा का ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। राजीव व नेपाली नगर अतिक्रमण मामले पर हाई कोर्ट में सुनवाई टली। पटना के राजीव नगर थाना क्षेत्र के नेपाली नगर में सरकारी जमीन पर अतिक्रमण के मामले की सुनवाई पटना हाई कोर्ट में चल रही है। बीते दिन इस मामले पर सुनवाई नहीं हो सकी, जिसके बाद कोर्ट ने अतिक्रमण हटाने के मामले में 3 नवम्बर तक सुनवाई टाल दी है। बता दें कि पिछली सुनवाई में कोर्ट ने बिहार राज्य आवास बोर्ड को बताने को कहा था कि अब तक पटना में उसने कितनी कॉलोनियों का निर्माण और विकास किया है। इस पर बीते दिन कोर्ट की कार्रवाई पूरी नहीं हो सकी और ने राज्य सरकार को एमिकस क्यूरी संतोष सिंह द्वारा प्रस्तुत दलीलों का अगली सुनवाई में जवाब देने का निर्देश दिया है।
केंद्र सरकार ने 10 YouTube चैनलों के 45 वीडियो किए ब्लॉक। केंद्र सरकार ने ऐसे 10 YouTube चैनलों पर कार्रवाई की है जो धार्मिक घृणा फैलाने के मकसद से फर्जी खबरें प्रसारित कर रही थी। खुफिया एजेंसियों से मिले इनपुट के आधार पर सरकार ने 10 YouTube चैनलों से 45 वीडियो को ब्लॉक करने का निर्देश दिया है। इन चैनलों के खिलाफ जहर उगलने वाले भ्रामक खबरों के माध्यम से मित्र देशों के साथ संबंधों को खराब करने का प्रयास करने के संबंध में कार्रवाई की गई है। इसको लेकर सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि राष्ट्रहित में ये पहले भी किया गया है, आगे भी करेंगे। मालूम हो कि हाल ही में कुछ माह पहले कई यूट्यूब चैनलों पर एक्शन लिया गया था। प्रवासियों के लिए रेलवे ने दी बड़ी सुविधा। अभी से पूरे एक महीने त्योहारों का मौसम है। दुर्गा पूजा के बाद दिवाली और छठ जैसे बड़े त्योहार हैं जिसमें भारी संख्या में प्रवासी बिहार की ओर रुख करते हैं। ऐसे में आपको भी टिकट बुक कराने में परेशानी हो रही है तो यह खबर आपके लिए अहम हो सकती है, क्योंकि ट्रेनों में भारी भीड़ को देखते हुए रेलवे हर साल पूजा स्पेशल ट्रेन चलाती है। इसी कड़ी में बिहार के यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ के मद्देनज़र पूर्व मध्य रेल के विभिन्न स्टेशनों के लिए कुल 36 पूजा स्पेशल ट्रेनों का परिचालन का फैसला लिया गया है। इसकी जानकारी नदर्न रेलवे ने ट्वीट कर दी है। विस्तृत जानकारी के लिए आप नदर्न रेलवे के आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर विजिट कर सकते हैं। यह पूजा स्पेशल ट्रेनें निर्धारित मार्गों पर कुल 324 फेरे लगाएगी। इन ट्रेनों का परिचालन अलग अलग समय पर 30 सितंबर से शुरू कर दिया जाएगा। इस जिले की बेटी बनी बिहार अंडर 19 महिला T20 टूर्नामेंट की कप्तान। तमिलनाडु के चेन्नई में आयोजित होने वाले अंडर 19 महिला T20 टूर्नामेंट के लिए BCCI ने बिहार टीम की घोषणा कर दी है। इस टीम की कप्तान बेगूसराय निवासी हर्षिता भारद्वाज को बनाया गया है। वहीं आर्या सेठ को उप कप्तान बनाया गया है। बेगूसराय की बेटी द्वारा प्राप्त इस उपलब्धि के बाद घर ही नहीं बल्कि गाँव और शहर के लोगों में भी खासा खुशी देखने को मिल रही है। हर्षिता भारद्वाज इसके पहले भी बिहार के बालिका टीम की कप्तानी कर चुकी हैं, लेकिन यह पहला मौका है जब भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड द्वारा आयोजित होने वाले महिला T20 मैच के लिए कप्तानी की जिम्मेदारी हर्षिता भारद्वाज को दी गई है। कप्तान बनाए जाने पर हर्षिता के यहां बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। ढाबा खोलने के लिए सरकार दे रही है 50 लाख तक का अनुदान। पर्यटन विभाग ने बिहार में हाईवे पर लग्जरी ढाबे खोलने का फैसला किया है, जिसमें पटना गया, पटना वैशाली, पटना नालंदा सहित 23 हाईवे पर 40 प्रीमियम और 60 रेस्टोरेंट खोलने के लिए लोगों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसके लिए पर्यटन विभाग लोगों को अनुदान भी दे रही है। इसके तहत अगले 3 सालों में बिहार पर्यटन विभाग टूरिज्म केंद्रों को जोड़ने वाली सड़कों पर 150 से ज़्यादा लग्जरी ढाबा स्टाइल रेस्टोरेंट और सुविधा केंद्र खोलने जा रहा है। इसके तहत कोई भी हाईवे के किनारे अपना ढाबा रेस्टोरेंट या होटल खोल सकता है। मीडिया में चल रही खबर के अनुसार ढाबा रेस्टोरेंट या होटल खोलने के लिए विभाग अक्टूबर में आवेदन फॉर्म प्रकाशित कर सकता है, जिस पर निवेशकों को 10 लाख से लेकर 50 लाख तक का अनुदान मिल सकता है। देश का पीएम कैसा हो, नीतीश कुमार जैसा हो के राजधानी में जमकर लगे नारे। बीते दिन जदयू की ओर से जागरूकता एवं सतर्कता मार्च निकाला गया। इस मार्च में जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह सहित जदयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा भी शामिल रहे। इस मार्च में भारी संख्या में नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। यह मार्च जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के नेतृत्व में पटना में निकाली गई। इस दौरान कार्यकर्ता देश का पीएम कैसा हो, नीतीश कुमार जैसा हो जैसे नारे लगाते नजर आए। इस मौके पर जदयू नेता ललन सिंह ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी पूरे देश में तनाव और गैर जरूरी उन्माद फैला रही है। रोजगार पर बोले सीएम, जो वादा किया उसे मिलकर पूरा करेंगे। बिहार में रोजगार सबसे अहम मुद्दा है, जिसको लेकर पार्टियां चुनाव में हथियार बनाकर इस्तेमाल करती है। इसी क्रम में बीते दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रोजगार को लेकर ऐलान करते हुए कहा कि आगे आने वाले समय में हम लोगों ने जो कमिटमेंट किया है उसे मिलकर पूरा करेंगे। किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। हम लोग झूठ नहीं बोलते हैं, जुमलेबाजी नहीं करते हैं, जो कहते हैं वो करते हैं। जिनको रोजगार नहीं मिला है उनको घबराने की जरूरत नहीं है। नीतीश कुमार जी लगे हुए हैं, सबको रोजगार मिलेगा। तेजस्वी ने अमित शाह पर पूर्णिया एयरपोर्ट को लेकर कसा तंज। बिहार में सत्ता परिवर्तन के बाद और लोकसभा चुनाव 2024 को देखते हुए तमाम राजनीतिक पार्टियां हरकत में है। इसको लेकर बयानबाजियां शुरू है। सभी खुद को सर्वश्रेष्ठ दिखाने की कोशिश में लगे हैं। वहीं बिहार की महागठबंधन सरकार केंद्र की भाजपा सरकार को केंद्र से हटाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाई हुई है। इस बीच अब तेजस्वी यादव ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर पूर्णिया एयरपोर्ट को लेकर तंज कसा है, जिसमें अमित शाह ने बिहार दौरे पर कहा था कि पूर्णिया हवाई अड्डे को जल्द से जल्द शुरू करना है। इसको लेकर तेजस्वी यादव ने कहा कि चूंकि हमारे गृह मंत्री के अनुसार पूर्णिया हवाई अड्डा लगभग तैयार है, कृपया टिकटों की व्यवस्था करें, पैसा मैं दे दूंगा।
आज होगा भारत बनाम साउथ अफ्रीका पहला T20I मुकाबला। आज भारत बनाम साउथ अफ्रीका पहला T20I मुकाबला खेला जाएगा तिरुवनंतपुरम के ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम में। यह तीसरा T20I और ओवरऑल चौथा इंटरनेशनल मुकाबला खेला जाएगा। T20I में यहां भारत का 1-1 का रिकॉर्ड रहा है। उसने 2017 में न्यूजीलैंड को हराया था। आज भारत बनाम साउथ अफ्रीका 3 मैचों की T20I सीरीज का पहला T20I मुकाबला खेला जाना है। मैच शाम 7 बजे से होगा। भारतीय टीम के स्क्वाड कुछ इस प्रकार है। रोहित शर्मा कप्तान, केएल राहुल उप कप्तान, विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव, ऋषभ पंत विकेटकीपर, दिनेश कार्तिक विकेटकीपर, आर अश्विन, युजवेंद्र चहल, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंह, हर्षल पटेल, दीपक चाहर, जसप्रीत बुमराह, उमेश यादव और श्रेयस अय्यर। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से है दर्ज। 1885 में मुंबई में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ। 1928 में कलकत्ता में पहली बार सवाक यानी बोलती फिल्म मेलोडी ऑफ लव प्रदर्शित हुई। 2008 में भारत के अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कवि और साहित्यकार प्रोफेसर सुरेश वात्सायन का निधन। 2013 में आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में कांग्रेस के समर्थन से सरकार बनाई। 1907 में भारतीय कार्यकर्ता भगत सिंह का जन्म हुआ था। 1837 में मुगल वंश का 18वां बादशाह अकबर द्वितीय का निधन हुआ था। 2008 में हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार शिव प्रसाद सिंह का निधन हुआ था। 2012 में भारत के पहले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बृजेश मिश्र का निधन हुआ था। 2015 में हिंदी के प्रसिद्ध कवि वीरेन डंगवाल का निधन हुआ था। और आज के दिन विश्व रेबीज दिवस के तौर पर मनाया जाता है। आशा पारेख को दादा साहब फाल्के पुरस्कार से किया जाएगा सम्मानित। 60 के दशक की मशहूर अभिनेत्रियों में से एक आशा पारेख को इस साल फिल्म जगत के सबसे बड़े सम्मान दादा साहब फाल्के पुरस्कार से नवाजा जाएगा। इसकी सूचना केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बीते दिन दी है। आशा पारेख 17 साल की उम्र में बतौर अभिनेत्री फिल्म दिल दे के देखो, जो कि शमी कपूर के साथ थी, इसमें अभिनय किया और वह फिल्म दर्शकों को खूब पसंद आई। फिल्म बहुत हिट हो गई। साथ ही आशा पारेख भी सफल फिल्मी सफर शुरू हो गया। उन्होंने बहुत सारे अवार्ड भी जीते हैं। आशा पारेख अभिनेत्री के साथ साथ प्रोड्यूसर व डायरेक्टर भी रहे हैं। इससे पहले उन्हें भारत सरकार की ओर से पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है। बता दें कि आगामी 2 अक्टूबर को आशा पारेख का जन्म हुआ था और जन्मदिन से पहले उन्हें यह बड़ा तोहफा मिला है। वायरल खबर में आज हम बात करेंगे पुलिस की सेवाओं को निजी हाथों में सौंपने के बारे में। सोशल मीडिया पर कई तरह की सूचनाएं वायरल होती हैं, लेकिन सभी सच हो ये जरूरी नहीं है। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे पुलिस की 50 से अधिक सेवाओं को निजी हाथों में देने की। दरअसल PIV ने एक ट्वीट के माध्यम से लोगों को सूचित किया है कि हिंदी अखबार की एक खबर में दावा किया गया है कि केंद्र सरकार के एक प्रस्ताव के तहत पुलिस विभाग की कई सेवाएं निजी हाथों में दे दी जाएंगी। PIV ने इस खबर को फर्जी बताया है। साथ ही कहा है कि भारत सरकार ने ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया है। व्हाट्सएप पर बस एक टैप से बन सकते हैं किसी भी वॉइस कॉल का हिस्सा। इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप वॉइस कॉल के लिए कॉल लिंक्स फीचर शुरू कर रहा है। व्हाट्सएप का कहना है कि यह फीचर सिर्फ एक टैप में कॉल शुरू करने और उसमें शामिल होने में मददगार होगा। यूजर कॉल टैप के तहत उपलब्ध कॉल लिंक्स विकल्प पर टैप कर सकते हैं और फिर ऑडियो या वीडियो कॉल के लिए एक लिंक बना सकते हैं। इसके बाद इसे परिवार और दोस्तों के साथ आसानी से साझा कर सकते हैं। इसके लिए आपको ऐप को लेटेस्ट वर्जन में अपग्रेड करना होगा। ये फीचर इस हफ्ते रोल आउट हो जाएगा। PMCH के जूनियर डॉक्टरों पर बैठाई गई 5 सदस्यीय जांच कमेटी। PMCH अस्पताल के जूनियर डॉक्टरों द्वारा मरीज के परिजनों को पीटने का CCTV फुटेज सामने आया है। PMCH से यह अमानवीय चेहरा सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग हरकत में आया है और इस मामले में PMCH अस्पताल प्रशासन ने भी अपनी तरफ से जांच शुरू कर दी है। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग ने स्वास्थ्य सचिव कौशल किशोर की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय कमेटी बनाई है। इस कमेटी को 7 दिनों के अंदर रिपोर्ट सौंपना है और जो भी दोषी पाया जाएगा उस पर स्वास्थ्य विभाग कार्रवाई करेगा। यह कमेटी स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव द्वारा बनाई गई है। बता दें कि हाल ही में PMCH के जूनियर डॉक्टरों ने मरीज के परिजनों के साथ हुई झड़प के बाद हड़ताल पर चले गए थे। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोग में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर दिया था। जिन्होंने पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है प्रेम कुमार, रामनवमी वांझी, मुटु रंगेला, उमेश ऋषिदेव, ध्रुव यादव, योगेश चौहान, कुलदीप कुमार, नंदलाल सिंह, अनवर करीम खान, मीरा पांडे, रोहित ठाकुर और लक्ष्मी मेहता। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि भारत बनाम साउथ अफ्रीका T20 मैच में आज किस टीम का पलड़ा भारी है। अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। बिहार की तमाम खबर के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज़। धन्यवाद।